बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने बुधवार 18 सितंबर को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। साथ ही राजस्थान कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावत से वापसी को लेकर मुलाकात की थी। मेवाराम जैन की गहलोत से मुलाकात को लेकर राजस्थान की राजनीति गर्मा गई है। अब उनकी इस मुलाकात को लेकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने बैतू विधायक हरीश चौधरी का बयान का समर्थन किया। उम्मेदराम बोले कि अगर अनुशासनहीन और चरित्रहीन नेताओं का पार्टी में वापसी होती है तो कांग्रेस को बड़ा धब्बा लगेगा। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सांसद उम्मेदराम बेनीवाल ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सांसद सेवा केंद्र में जनसुनवाई की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए वो बोले कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जिलों में अनुशासनहीन और चरित्रहीन नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। जो पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ चलते हैं और चरित्रहीन हैं, उनको पार्टी कभी नहीं लेगी। सुनिए उम्मेदराम बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। वो सबको पता ही है आपको, जो चरित्रहीन नेता कौन है कौन नहीं है, मैं सीखने को लाना चाहता हूँ। पूरे बाड़मेर जिले के लोगों को पता है इसके बारे में। देखो, सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के पूर्व निष्कासित जो विधायक है उनकी जो है वापस कांग्रेस में एंट्री हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है, उस पर आपकी क्या राय रहेगी? बिल्कुल अनुशासनहीन और जो पार्टी गाइडलाइन से अटकर चलते हैं उनकी पार्टी के अंदर कोई जगह नहीं है। ऐसा कोई अभी विचार नहीं है कि ऐसे अनुशासनहीन और चरित्रहीन नेताओं की पार्टी के अंदर वापसी है, क्योंकि वो नेता जो है पूर्व मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, पार्टी के कई बड़े नेताओं से भी मिल चुके हैं। इतने में हमारे सूत्रों की जानकारी के अनुसार यही है कि उनकी जो है आगामी दिनों में एंट्री होने वाली है। देखिए, बाड़मेर के लोगों के अंदर जो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनके दिलों के अंदर कहीं भी उनकी जगह नहीं है। बाकी ऊपर लेवल में पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है वो उनका विषय है, जो निर्णय वो लेंगे वो उनका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन बाड़मेर के लोगों की तरफ से जो उनका फीडबैक मांगेंगे, पूछेंगे, जानेंगे, तो लोगों के मन के अनुसार फीडबैक जाएगा और ऐसे अनुशासनहीन और चरित्रहीन नेताओं की कोई जगह नहीं। बाड़मेर एमपी आप है और आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि एंट्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? देखिए, वो तो पार्टी के बड़े नेता डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन बाड़मेर के लोगों की राय, आम लोगों की राय यही है कि उनकी एंट्री वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अनुशासनहीनता और चरित्रहीनता पार्टी के ऊपर एक गहरा धब्बा है। और वैसे लोगों की वापस एंट्री होगी तो पार्टी के अंदर अनुशासन नहीं रहेगा और फिर अच्छे कार्यकर्ता का और जो पार्टी के नियम कायदे नहीं मानने वालों में कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर एंट्री होती है तो जो नेताओं ने बयान दिए थे, चाहे कोई नेता का बयान दिया था हम घर पे बैठ जाएंगे राजनीति छोड़ देंगे, ऐसा होगा? बिल्कुल एंट्री नहीं होगी उनकी, लोगों की भावना के अनुसार बड़े नेता भी कदर करेंगे। बता दूं, इससे पहले बैतू विधायक हरीश चौधरी ने कहा था कि राजनीति में भले ही घर बैठना पड़े वो मंजूर है, लेकिन चरित्रहीन नेताओं के साथ संबंध नहीं रखेंगे। अब सांसद उम्मेदराम बेनीवाल के बयान के बाद पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी की राहें आसान नहीं लग रही है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।